नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेकेसी न्यूज़ के साथ और मैं हूँ रूहानी। हमारे प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई थी और ये कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी कि बेटियों के सशक्तिकरण की बात हुई थी, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने की बात हुई थी, एजुकेशन की बात हुई थी। जहाँ तक देखा जाए कि हिंदुस्तान में जो इस नारे को इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा कुछ लोगों के द्वारा, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो एक केस सामने आया है डोमेस्टिक वायलेंस का, जहाँ पर एक लड़की को डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ किया जाता है और उनका जो सन है, जो बेटा है, वो डिसेबल है। तो मैं यही पूछूंगी किस तरफ हमारा समाज जा रहा है, क्या इस समाज की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री ने की थी जब वो इस नारे को दे रहे थे। तो ओमकार सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, वही जो उनकी बेटी है जिनके साथ गलत हो रहा है, उनके पिता हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, मुझे सबसे पहले बताएं कि हुआ क्या है। हुआ जी, पहले दिन से ही मैडम, पहले दिन जिस दिन शादी थी उसी दिन से गड़बड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आप मोटरसाइकिल दिया कार दो, मेरी औकात नहीं थी। मैंने कहा शादी करनी करो, नहीं तो जाओ। सर कब हुई थी शादी? ये 2002 में हुई थी, ये इधर चमनी हिम्मत में बैंक्वेट हॉल में की थी। मेरे रिश्तेदार थे, कोई मेरे रिश्तेदार अच्छे भी हैं, मेरे साले हैं अच्छे कारोबार वाले हैं, मेरे भतीजे हैं, सब मुलाजिम हैं। इन्होंने अलग होकर इकट्ठे करके 3 लाख रुपया मेरे से पर्दे से उनको दे दिया। शादी हो गई, शादी के 2 महीने के बाद लड़की को टार्चर शुरू हो गया और डिमांडें शुरू हो गई। मैंने जैसे आगे भी कहा है कि मैं अपनी बरादरी का ऑल इंडिया का मुखी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और दो साल के लिए प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, स्टेट का प्रभारी हूँ, तहसीलदार हूँ। इस पोस्ट पर रहते हुए मैंने कोशिश की कि किसी भी तरह से मुझे अदालत में या थाने में ना जाना पड़े, लेकिन मजबूर होकर 13 तक, ये मुझे 2013 तक लूटते रहे। 14 में मैंने थाने में जाने की कोशिश की तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे दिया और इनके घर में मीटिंग हो गई, हम 5,000 रुपया देंगे इनको और इनका अकाउंट खुलवा देंगे। वो ना आज तक अकाउंट खुला, ना ही 5,000 इस लड़की को मिला। उसके बाद फिर टार्चर शुरू हो गया। इसकी दूसरी जो बेटे की बहू है उसके घर बेटा पैदा हुआ। मैं बायाफ्ता 2-3 दिन पहले इस इंसिडेंट के ममार्क देने के लिए गया, तो ममार्क देने के लिए गया है तो कहता है भाई बेटी आपकी आती जाती रहती है, अगर इसको परमानेंट बसाना चाहते हो तो 2 कनाल जगह लेकर मुझे वहाँ ले दो, आप तहसीलदार हो कहीं रोड साइड पर, मैं गोडाउन बनाऊँगा वहीं इनको मकान बनाकर वो इनको ही दे दूँगा। क्या ये उनके पति का कहना था या ससुराल वालों का? ये उसके ससुर, एक लड़की के ससुर का कहना था। उनका नाम क्या है सर? उनका एंचल कुमार नाम है। कहाँ रहते हैं सर? वो त्रिकुटा नगर में, नानक नगर एक्सटेंशन में रहते हैं, सेक्टर 40 है 40। तो काम क्या करते हैं इनके जो पति हैं? जो लड़का इनका, एक तो 30 साल था रेलवे स्टेशन पर, वहीं मेरी बाकवी हुई, तो उसी वजह से आना जाना मेरा रहता था, इंडिया में ऑल इंडिया में टूर होता था, तो इनसे बैठना माध्यम में टिकट शिकट जो अरेंज कर देते थे। तो शादी की बात हुई तो ये बात शुरू हो गई। अब त्रिकुटा नगर में अब इनकी वो शॉप भी है और जहाँ इन्होंने मेरे से पैसे लेकर एक जनरल स्टोर खोला है बड़ा, इनको गेट नहीं, कोई म्यूनसिपैलिटी वाले गेट नहीं लगाने देते थे, वो भी मैंने अरेंज किया, पैसा मेरा यूज़ करके बड़ा हाल खोला है। अब उससे भी इनकी तृष्णा नहीं हुई तो मुझे वो कहा, जब मैंने रिफ्यूज़ किया तो दूसरे ही दिन लड़की के गहने जो हैं, चाबी उनके 2-3 दिन रहती है महीने में वहाँ आ जाती, चाबी हस्बैंड के पास रहती है, और जो ससुर है उसने 4 बार इसके कमरों की तलाशी इसने पकड़ लिया और प्राइवेट कपड़े भी इसके वो जो था उसको उसकी तलाशी करता था। अब जब सोना निकल गया तो उसको धकेल दिया, हम आए, मैंने कहा चलो इसको ले जाओ, हमने जाकर के कंप्लेंट दायर कर दी 25 को दूसरे दिन उन्होंने हमें बुलाया तो लड़का, मैंने लिखा था लड़के को रोको, मैंने कहा रोका नहीं, पुलिस वाले कहते हैं कि वो क्रिमिनल नहीं है करदार का, आ जाएगा अगले इस एतवार के अगले एतवार उसको बुलाएंगे। तो सोना लेके कहाँ गए थे वो? बम्बे चला गया बहन के पास, तो वो निकल गया सोना, अब चला गया बॉम्बे, अब लड़का कब आएगा कब? मैंने कहा FIR ही लगाओ, सिफारिशें भी करवाएं बेअंत कोई बात नहीं, लेकिन FIR आज तक लाए। कारण क्या बता रहे हैं कि FIR क्यों नहीं लगाई जाती? ये उन्होंने मुझे कारण, पुलिस वालों को कोई पूछ नहीं सकता है ना, वो कारण बताते हैं ना किसी चीज़ के, कहीं भी ये ही नहीं, कोई भी नहीं, रसीद तक नहीं देते हैं। मैंने अटमोस्ट सिफारिशें भी कराई के, और कानून है कि 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज होना चाहिए, मैंने ये भी कहा मेरे खिलाफ़ जाता, मेरी बेटी के खिलाफ जाता, आप एक्शन करो लेकिन इन्वेस्टिगेशन करो।
सर इनके एक बेटे भी हैं, उनका नाम क्या है? इनके आपकी बेटी के एक बेटे भी हैं? एक बेटा, इसका निशांत नाम है, जो टोटली डिसेबल है, ना चलता है, ना सुनता है, ना खाता है, ना पीता है। इसको हाथ से मुंह में रोटी डालनी पड़ती है, सारी दिन भूखा रहेगा, मांगेगा नहीं। और इसका मेडिकल का अरेंजमेंट भी मैं करता हूँ, इसका 10,000 का तकरीबन मेडिकल का खर्चा, टेस्ट होते हैं डॉक्टरों की, ये सारे निशांत के हैं, इसके बेटे के। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो इनके बेटे हैं निशांत, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। और इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो सिर्फ मायके वाले ही करवाते हैं, ससुराल वालों का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सब इसके पॉलिसी के तो जहाँ तक बेटी का तल्लुक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर निशांत भी हैं और एक मायूसी भी है चेहरे पर। ये डिसेबल ऐसे हुआ, ये 3 दिन का था। पहली बात थी कि जब ये अस्पताल में दाखिल हुई, जो डॉक्टर था उसने कहा तहसीलदार साहब जी आपकी बेटी है, आप नेक इंसान है, मैंने इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। लेकिन जिसकी ये बहू है वो इतना कमीना और बेईमान है, अगर उस पर होती तो मैं उसको एडमिट नहीं करता, ये उनकी बात थी। दूसरे दिन छुट्टी आई तो सुबह उसने इसको ठंडे पानी से नहला, फर्स्ट पंखे के नीचे रख दिया, और ये बारिश थी, ये थोड़ा सा अंदर गई तो बच्चे को पलंग से गिरा दिया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर अस्पताल गए, फिर गए उसके बाद फिर ठीक हुआ, फिर गिरा दिया, फिर मतलब हम लेकर गए। इसके कोई 10 MRI हुए हैं और 10 बार इसको दाखिल कराया ट्रीटमेंट, अब जो इस हालत में सर्वाइव कर रहा है। जहाँ फिर से पढ़ते हैं इसको, ट्रीटमेंट कौन करवाता है? इसके ट्रीटमेंट मैं करवाता हूँ, उन्होंने कभी इनको दिखाया तक नहीं। ये बेटे की बात है, अब बेटी की बात सुनो। इसको डेंगू हुआ था, डेंगू हुआ तो जहाँ इन्होंने, इनके पास इलाज नहीं था जम्मू में, शुरू में इन्होंने हमें दिल्ली कहा बाहर ले जाओ, हम दिल्ली की वहाँ मतलब इसका इलाज करवाया, 1.5-2 लाख रुपया लगाया, खून था जहाँ के प्लेटलेट डाउन हो गए थे, वहाँ बेबाकमी में हमें अरेंज करना, ये ऐसे ही करता है, मुश्किल हो गया। उसके बाद इसका गल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ महारिषि में, कोई इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इसको टॉर्चर होता था, इसके कहीं ब्रेस्ट पर लग गई थी, वहाँ अफसेस हो गई थी, मारा था इसको, अफसेस हो गई थी, उसका ऑपरेशन अब मैंने डॉक्टर सुलेमान से करवाया। एक पैसा आज तक उन्होंने नहीं खर्चा है। अगर वो मेरा साथ देते और मैं मतलब अगर मतलब वो मेरा साथ देते, जितनी मीटिंग हुई बेटी को अडॉप्ट करते, तो मैं जहाँ नहीं आता। अगर 17 साल मैंने भी मेंटल टार्चर बर्दाश्त किया, इन्हें फिजिकल, इमोशनल और इकोनॉमिक टार्चर मुझे भी हुआ है, इनको भी हुआ है, इसके लिए अब इसीलिए मैं आया हूँ। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि बेटी का इस पाए बेटे का जो शेयर बनता है प्रॉपर्टी से और खर्चा दें, ताकि मेरी 70 साल उम्र हो गई है, पता नहीं मैंने कब मार जाना, इनको कौन संभलेगा, इनको प्रॉपर वहाँ जगह मिले, प्रॉपर खर्चा मिले और ये प्रॉपरली इनका ट्रीटमेंट हो, ये मेरी मांग है। और जो मैंने FIR लगाया है, अगर वो चाहते हैं तो मेरे साथ घर बैठकर करें कि हमने जूझ कर लिया है, हम सोना छोड़ देंगे। लेकिन जब तक ये साबित, अगर ये साबित पाई जाएगी गुनाहगार, इसके खिलाफ होगा एक्शन। अगर वो है, बुलाकर एक बार उसकी माँ और उसके बेटे को जैसे पुलिस पूछती है ऐसे पूछे, तो वो कमिट करेगा कि हाँ चोरी हमने की है, एक बार नहीं 4 बार। जो कपड़ा दिया वो बहू बेटी को दे दिया, जवाई को दे दिया, इसके पास लगाने को कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, इवन मंगलसूत्र नहीं है। इसने नाम धारण किया था, उसमें एक दुर्धराष्ट्र मिलता है, वो चांदी में था, वो भी चुरा लिया है। अब इससे ज़्यादा हाइट क्या हो सकती है, इस पर टॉर्चर की क्या हाइट हो सकती है। मेरी आपके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है, पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है, लड़के के पेरेंट्स को, रास्ते पर आओ बैठो और इसको प्रॉपर्टी का शेयर दो, इसको खर्चा दो, ताकि हमें इधर उधर के चक्कर ना लगाने पड़े। अगर वो राय, उन्होंने कहता है थाने में कह रहा है बहुत पैसा है, क्या करोगे? SHO के सामने उसका मास्टर कह रहा था इनके पास बहुत पैसा है, जब मैं सच कह रहा हूँ SHO साहब जानते हैं। उसके बाद बजाय एक्शन होने के गुंडे मेरे घर में, मैं कुरथोली में नेशनल हाईवे पर रहता हूँ गैस प्लांट के आगे, आकर ठुड्डे मारना शुरू किए, गाली गलौज। ये लड़का छोटा गया, इसने देखा कोई आए हैं, माँ क्या कहते हैं, कहते हैं कंप्लेंट विड्रा करो नहीं तो आपको एलिमिनेट कर देंगे। मैंने कहा चलो आए होंगे, कल नहीं आएंगे, कल मुझे जाना था उधर वुमेन सेल में,
आज भी रात को उन्होंने किया तो सुबह मैं वुमेन सेल में था, हम कंप्लेन ही, मैंने अपने एक दोस्त को कहा है कि थाने में इन्फॉर्म करो, हमें खतरा है, मैं शाम को आकर कंप्लेंट दायर करूंगा बड़ी ब्राह्मणा में। तो अब हम कहाँ जाएं? ये इनको तो मिला कुछ नहीं, मुझे धमकियाँ मिल रही, मुझे मौत का मैसेज आ रहा है कि आपको हम मार देंगे, जो भी जम्मू की तरफ आएगा मार, मजबूर होकर मैं जहाँ आया हूँ। 17 साल टार्चर कम नहीं होता। पूरी प्रॉपर्टी लोन लिया मैंने, रसीदें दिखाओ भाई, वो रसीदें थोड़ी सी इनको और दिखाओ ना, ये देखो लोन की फोटो कापी, वो मेरे बैग से दिखाओ, ये देखो मैंने लोन लेकर कंपनियों से, इन्होंने 10 लाख रुपया लड़की के नाम थोड़ा थोड़ा करके जमा था, वो भी जबरन खुलवा लिया, और ये कटिया जरा ये देखो मैंने कंपनियों से लोन लिए हैं, दिखाता हूँ एक, आप ठहरो एक, ये देखो इनसे मैंने लोन लिया 1 लाख रुपया, ये फाइनेंस कंपनी है, हाँ इनसे लोन लिया मैंने, उसके बाद ये मैंने, इन्होंने मेरे बैंक में लड़की के पैसे थे वो निकाल लिए, प्रेशराइज करके 10 लाख रुपया था, शादी से पहले से इसके नाम आ रहा था, ये देखो मैंने गहना बेचकर इसको अकोमोडेट किया, ये 2005 के बाद का है, कुछ रसीदें मैं, ये जो बैंक थे इन्होंने इसके पैसे निकाल लिए, अच्छा ये जो मैंने उन कंपनियों से पैसे लिए, क्या क्या दिखाऊँ मैं, मैंने तो मैं कहता हूँ कि इलाज के अलावा 20 लाख रुपया मेरा खा गए हैं, अपना मकान बना गए हैं, स्टोर बना गए हैं, और जो लड़की का लायक रहता हूँ मैं रेवेन्यू का हूँ, छोटी मोटी वकालत करता हूँ, नोटरी की पावरें हैं, दिहाड़ी लाकर 1000-1500 रुपये लाता हूँ तो इनका लायक करता हूँ, जो पेंशन है वो मेरी मिसेज से भी पूरी नहीं होती, क्योंकि 2 बार में हफ्ते का डायलिसिस होता है, तो वो कैसे पूरा करूँगा मैं खर्चा, और मुझे ये है कि मेरी 10 नज़दीक हैं, इनका पीछे से क्या बनेगा, ये मेरी राय है, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी दरख्वास्त है। ये बेटी का रिकॉर्ड भी है, बेटी का जी, तो इनकी बेटी का भी एक रिकॉर्ड ये दिखा रहे हैं, ये बेटी का रिकॉर्ड है, देखो ना सारा बेटी का ही पड़ा है जी, तो ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स हैं अब तक, ये है सुमन सिंह, ये देखो अब की जो है, अभी की जो ऑपरेशन कराया, जो इतने लफाफा हो गया, तो निशांत, हाँ निशांत, निशांत भी हमारे साथ हैं, ये बात ये आप निशांत को देख रहे हैं, तो हम भी कभी कभी इंसान हैं, हम भी इमोशनल हो जाते हैं जब ऐसे केसेस आते हैं, और हम ये सोचते हैं कि बेटियां जो हैं वो क्या सिर्फ पिता की ही लाडली होती हैं, क्या ससुराल में उनको वो प्यार नहीं मिलता, क्या उनका वो दर्जा जो है वो गिर जाता है जब वो ससुराल में जाती हैं, जब भी कोई लड़की शादी करती है तो एक सपनों का घर जो बनाती है, सोचती है कि मैं शादी करके जाऊंगी, मेरा एक अच्छा जीवन होगा, मेरी लाइफ अच्छी होगी, एक जर्नी वो शुरुआत करती है एक जर्नी की, मगर कहीं ना कहीं जब आगे जाके उसको इस तरह का माहौल मिलेगा, इस तरह का टॉर्चर मिलेगा, तो वो लड़की भी क्या करेगी, उनका बेटा भी क्या करेगा, और वो परिवार भी क्या करेगा जिनकी वो बेटी थी। हमेशा से कहा जाता है कि अ डॉटर इज़ अ प्रिंसेस ऑफ फादर, बट कहीं ना कहीं ये बात सच भी साबित हो रही है ये केस देखने के बाद, कि जो एक डॉटर है वो राजकुमारी होती है अपने ही पिता की, तो क्या ससुराल वालों का कोई रोल नहीं है, क्या उनके लिए वो एक बहू को अपनी बेटी नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, देखते रहिए जेकेसी न्यूज़। इसी के साथ कैमरामैन ज्योति प्रकाश जी के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।